हो जाता है दोस्तों, यूँ जाता है आपका वीडियो स्टार्ट। तो जैसे हम एंटर करेंगे या आपका इधर से देखेंगे आप, एक तरफ दो फ्लैट हैं, एक सामने फ्लैट होने वाला है और सामने एक इस तरफ फ्लैट होने वाला है। अगर मैं इसकी लिफ्ट की बात करता हूँ तो ऊपर चढ़ के लिफ्ट आपका राइट में जाके आपको लिफ्ट मिलने वाली है, इस तरीके से होने वाला है। और ये देखते हैं आप, ये हो जाता है आपका एंट्रेंस फ्लैट में। बहुत खूबसूरत फ्लैट है, बहुत ही अच्छा फ्लैट होने वाला है, 7th फ्लोर का फ्लैट है। और साथ ही साथ मैं बात करते हैं, ये देख सकते हैं प्रॉपरली काम, नीचे आपकी फ्लोरिंग और एक है, साथ ही साथ ऊपर आपका कॉबलर के साथ फॉल सीलिंग का काम बहुत खूबसूरत लग रहा है। फॉल आप देखेंगे इधर मिल जाता है आपको एक वेंटिलेशन, जहाँ पे आप देखेंगे बहुत थ्रू आउट देखेंगे बहुत ही अच्छा व्यू मिलने वाला है। ये सामने आपका DDA का सोसाइटी है, सेक्टर 9 का, और उधर थ्रू आउट देखेंगे वो सेक्टर 7 लग जाता है सारा का सारा आपका आगे। तो ये हो जाता है दोस्तों फ्लैट, इस तरीके से ये हो जाता है लिविंग एरिया इसका। उसके बाद अगर मैं आपका फ्लोर प्लान की बात बता दूँ, ये आपका एक बेडरूम है, दो बेडरूम आपके उस तरफ है, और ये हो जाता है आपका किचन एरिया। तो उसके बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे ये आपका लिविंग हो जाता है, लिविंग होने वाला है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं थ्रू आउट काफ़ी बड़ा स्पेस है लिविंग का। स्पेस अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी बड़ा आपको लिविंग स्पेस मिल जाता है इधर। और साथ ही साथ में आप आते हैं अपने किचन एरिया पे, ये आपको मिलता है अपना किचन एरिया, काफ़ी खूबसूरत किचन एरिया है। साथ ही साथ में अगर मैं साइज़ की बात कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 8x10 के आसपास का साइज़ है, जिसमें आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाता है, देख सकते हैं थ्रू आउट आपको काफ़ी बड़ा वेंटिलेशन इसमें आपको इधर मिलने वाला है। ये आपको प्रॉपर वेंटिलेशन है, ऊपर देखेंगे प्रॉपर काम किया गया है, इधर आपको पेंट्री मिल जाती है, ये आपका देखेंगे बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया गया, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर मॉडुलर किचन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो सॉफ्ट क्लोज के साथ मॉडुलर किचन मिलने वाला है, यहाँ पे मिल जाती है आपको अपना IGL का कनेक्शन, और ये मिल जाता है आपको स्टोरेज ऊपर, इधर आ जाता है आपका इधर सिंक एरिया। तो ये हो जाता है प्रॉपरली मॉडुलर किचन एरिया, जिसका साइज़ ऑलमोस्ट 10x8 के आसपास का साइज़ है, अच्छी तरीके से काम किया गया है, लाइटिंग का काम बहुत खूबसूरत है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको टाइलिंग का काम काफ़ी खूबसूरत मिलने वाला है। उसके बाद ये हो जाता है दोस्तों आपका डाइनिंग स्पेस, जो स्पेस है आपका इसको बोल सकते हैं आप अपना डाइनिंग स्पेस, जो कि आपका है स्पेशली फॉर दैट। ये आपका लिविंग अलग से आ जाता है, लिविंग के जस्ट साइड में ही आपको ये मिल जाता है आपका लिविंग स्पेस, जिसमें प्रॉपरली ऊपर फॉल सीलिंग का काम किया गया है, इधर आपको थ्रू आउट बहुत बड़ा वेंटिलेशन मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। ये आपका सेक्टर 9 का पार्क आ जाता है सामने, देख सकते हैं ये सेक्टर 9 का पार्क है, और काफ़ी अच्छा इधर से आपको व्यू मिलने वाला है। ऊपर से आपका स्टे किया जाता है इस तरफ से, जो कि जाता है आपका लिफ्ट में। ये हो जाता है आपका एक और स्पेस, जहाँ आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से को यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये हो जाता है आपका डाइनिंग, साथ ही मैंने आपको अभी दिखाया था अभी किचन एरिया। उसके बाद गो थ्रू करते हैं अपने बेडरूम्स। बेडरूम आपके दो बेडरूम सामने मिल जाते हैं, ये कॉमन वॉशरूम है, उसके बाद एक बेडरूम आपका इस तरफ मिलने वाला है। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम एरिया, जिसमें आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर फॉल सीलिंग का काम है, इधर आपको AC की फिटिंग मिलने वाली है, नीचे फ्लोरिंग पर टाइलिंग का काम मिल जाता है, और बेडरूम वर्क काफ़ी अच्छा तरीके से इसमें किया गया। अगर मैं इसके ऑलमोस्ट साइज़ की बात कर देता हूँ तो आइडली 10x11 के आसपास का साइज़ है, अगर मैं उस पर्टिकुलर पोर्शन को हटा दूँ जो कि गैलरी में लिया गया है, तो ये वाला पोर्शन अलग है। और साथ ही साथ में आपका जो वार्डरोब एरिया है वो सेपरेट है, तो ये आपका एग्जैक्ट निकल के आता है 10x11 के आसपास का साइज़। ये मिल जाता है आपका मॉडुलर किचन, सॉरी इसमें आपका अटैच वॉशरूम, जो कि इसमें प्रॉपर्ली हिडनवेयर कंपनी की फिटिंग सी गई है, और ये इस वाले रूम से अटैच है, और साथ ही साथ ही कॉमन वॉशरूम भी है। टाइलिंग का खूबसूरत काम है, साथ ही साथ में आप देखेंगे वेंटिलेशन फिटिंग सारी मिल जाती है, वॉल माउंटेड कमोड है, स्टोरेज है नीचे, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। तो उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टली अपना, यहाँ से आप अपने कॉमन एरिया में, जो कि आपका ये लिविंग प्लस डाइनिंग वाला एरिया जो होता है। इधर भी देखेंगे आप, जैसे आप इस पर्टिकुलरली ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे जैसे आप रूम्स की तरफ एंट्री करेंगे तो बहुत अच्छा वुडवर्क का काम किया है, इसमें लाइटिंग का काम बहुत खूबसूरत है आप जिस तरीके से देख रहे हैं। तो ये आपको देख सकते हैं, ये आपको एंट्रेंस हो जाते हैं, आपका दो बेडरूम है, एक बेडरूम इस तरफ है और एक बेडरूम इस तरफ है। तो आइए इसको गो थ्रू करते हैं, पहले इसकी बालकनी कवर की हुई है, ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन है ये आपका बालकनी का है, यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू ए बालकनी। उसमें आपको इधर देखेंगे तो यहाँ मिल जाता है आपको इसका अटैच वॉशरूम एरिया, इसमें दो वॉशरूम्स होने वाले हैं। तो आप देखेंगे प्रॉपरली फिटिंग की गई है, मतलब स्टोरेज वगैरह हिडनवेयर कंपनी का आपको फिटिंग्स मिलने वाला है सारा का सारा, और बहुत अच्छा काम है, टाइलिंग का खूबसूरत काम है, और वेंटिलेशन मिल जाता है आपको, और प्रॉपरली काम है, देख सकते हैं आप बहुत अच्छा काम किया गया है। और ये हो जाता है आपका बेडरूम का साइज़, अगर मैं साइज़ की बात कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 10x12 के आसपास का आइडियल साइज़ होने वाला है, और प्रॉपरली फॉल सीलिंग का काम किया गया है, लाइटिंग का काम अच्छा है, आपको उस तरफ इसमें AC की फिटिंग मिल जाती है। और अब आते हैं अपने लास्ट बेडरूम एरिया पे, ये हो जाता है इसमें आपका लास्ट बेडरूम एरिया, जिसमें आपको देखेंगे बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन का काम मिलेगा, और साथ ही साथ में ऊपर फॉल सीलिंग का बहुत बेस्ट काम है। ये हो जाता है आपका प्रॉपरली
वार्डरोब एरिया, और ये देख सकते हैं फॉल सीलिंग का, सॉरी फ्लोरिंग का काम बहुत खूबसूरत है, 10x12 का आइडियल साइज होने वाला है। और इसमें मिल जाती है आपको इस रूम में बालकनी, जो कि काफ़ी बड़ी बालकनी है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बालकनी है। पहली बात तो ये देखेंगे, जैसे आप रूम से निकलेंगे आपकी राउंड बालकनी, राउंड शेप में बालकनी इस तरफ आती है, और उसके बाद यही बालकनी आपकी उस तरफ भी जाती है। तो ये हो जाती है काफ़ी बड़ी बालकनी है दोस्तों। बालकनी का स्पेस की बात बताऊँ मैं तो काफ़ी बड़ी बालकनी है, और ये आपको फेसिंग करती है, आपको देख सकते हैं इस तरफ सोसाइटी का जो पार्क है, ये देख सकते हैं सोसाइटी का पार्क है प्रॉपर तरीके से। आप देखेंगे सामने काम किया गया है, जिम का ऑप्शन भी है इसमें पार्क में, साथ साथ में बच्चों के लिए यहाँ पे चूल्हे वगैरह भी दिए गए हैं। तो ये अच्छा, एक अच्छी सोसाइटी है, अच्छी मेंटेन सोसाइटी होने वाली है दोस्तों। काफ़ी अच्छा फ्लैट है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया गया है पूरे ही फ्लैट में। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इफ़ यू लाइक अस, और अगर हमारे आप वीडियोस को अच्छा समझते हैं तो यू कैन ऑल्सो शेयर अस टू अदर्स हु नीड फ्लैट्स इन द्वारका। सो उसके लिए भी यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।